हेलो, मैं चित्रा अपने यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत 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 स्वागत करती हूँ। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बहुत ही मेहनत करते हैं हम लोग, लेकिन आप लोग को एक लाइक हमारे लिए बहुत ही मायने रखता है, इसलिए हम लोग बार बार बोलते हैं कि प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज मैं लेके आई हूँ आज पंजीरी और पंचामृत का रेसिपी, जो कि आप लोग भगवान को भोग भी लगा सकते हो या फिर आप कभी भी बना के भगवान को और चढ़ाइए और खुद खा लीजिए। ऐसे में तो मैं आज बना रही हूँ कृष्ण भगवान के अवसर पर, मैं कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर मैं बना रही हूँ पंचामृत जीरी। तो चलते हैं सीधे किचन में और बनाते हैं जीरी और पंचामृत की रेसिपी, आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। आप लोग भी उसी तरह बनाइए और अपने भगवान को खुश करिए। कृष्ण जन्माष्टमी पर कृष्ण भगवान के लिए भोग बनाने के लिए मैं आज तैयार करने वाली हूँ, जो कि है पंजीरी। तो पहले सबसे पहले मेरे को ले लेना है ये धनिया, जो कि खड़ा धनिया है। तो इसको ना आपको रोस्ट करना है, हल्का सा आपको इसको भून लेना है कि इसको पीसना है इसलिए। तो इधर मेरा कढ़ाई हो गया है गरम, आपको इसमें नहीं तेल डालना है नहीं घी डालना है। इसको अच्छे से आपको साफ करके और इसको इसमें हल्का सा आपको भून लेना है। देखिए मैं अपने माधो का, अपने कृष्ण भगवान को आज यही भोग लगाने वाली हूँ। आप भी अपने घर में बनाएं और लगाएं भोग और प्रसाद बांटें सबको। ये मेरा हो गया है, अब मैं इसको निकाल लूँगी क्योंकि इसको ज़्यादा नहीं ये करना है। मैं इसको एक बार और फिर इसको भूनूंगी, तो इसी में मैं रख। तो ये देखिए मैं थोड़ा सा इसमें ले ली हूँ, ये क्या कहते हैं काजू ले ली हूँ 10-15, और इसमें 10-15 ये बादाम भी ले ली हूँ। अब इसको मेरे को घी को डाल लेना है, ये मैं एक चम्मच इसमें घी को डाल दे रही हूँ। और इसमें ना मेरे को एकदम सीम आँच पर ही इसको हल्का मेरे को रोस्ट कर लेना है। तो ये देखिए हल्का सा ये ब्राउन हो गया है, तो मैं इसको भून के और निकाल ले रही हूँ। ये देखिए मैं थोड़ा सा इसमें ज़्यादा ले ली हूँ क्योंकि मेरे को पंचामृत में भी इसको डालना है। तो इसको ना मैं हल्का सा रोस्ट कर लूँगी और उसमें भी डालूँगी और इसमें भी डालूँगी, इसलिए मैं थोड़ा सा ज़्यादा ये ले ली हूँ मखाना को, क्योंकि मखाना ना फास्ट में भी आप ले सकते हो और खा सकते हो। तो मैं इसमें इसको अच्छे से भून ले रही हूँ। मखाना हो गया है ड्राई रोस्ट, इसको भून ली हूँ क्योंकि आप ऐसे देख सकते हो, ऐसे अभी थोड़ा सा ये है, अभी इसको पीस लेना है। अब मेरा ये ठंडा भी हो गया है, मैं इन लोगों को जब तक फ्राई की ना तब तक ये हो गया, इसको पीस के रेडी कर लेना है। तो चम्मच घी है और इसमें मैं ये पंजीरी जो पीस के रखी हूँ ना, इसमें ना एकदम सीम आँच पर इसको मेरे को फिर भून लेना है, हल्का सा रोस्ट कर लेना है। ये देखिए थोड़ा आपको ये पहले ही थोड़ा सा आप इसको रोस्ट कर लिए हो, थोड़ा सा आप भून लिए हो, तो आप ना इसको थोड़ा सा मैंने ही आपको इसको फिर भूनना है, क्योंकि ना बहुत ही अच्छा लगेगा। भगवान को, कृष्ण भगवान को घी दूध दही से बहुत प्यार है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा इसको घी डाल के, अगर आप इसको ना इस टाइम नहीं भूनोगे ना तभी हो जाएगा, कोई नहीं ये है कि इसको भूनना ही है। तो ये देखिए मैं हल्का हल्का एकदम सीम आँच पर इसको थोड़ा थोड़ा रोस्ट कर रही हूँ। अब मैं एकदम बना रही हूँ, एक कप है ये जो कि धनिया है ना, एक कप धनिया से ही मैं बना रही हूँ। भून ली हूँ, अब भून के इसको निकाल दे रही हूँ क्योंकि कढ़ाई गर्म है, अगर ज़्यादा देर तक कढ़ाई में छोड़ दोगे ना तो ये जल जाएगा, क्योंकि दोबारा ये भून रहा है। तो ये देखिए मैं थोड़ा सा इसको ठंडा करने के लिए मैं फैला दे रही हूँ चीनी, और इसको मैं थोड़ा सा इसको पीस लूँगी, हल्का सा दरदरा पीसना है क्योंकि इसमें डालोगे ना तो ये थोड़ा मोटा मोटा चीनी है तो अच्छा नहीं लगेगा, तो इसलिए मैं थोड़ा सा पीस ले रही हूँ इसको। इसमें काजू किशमिश को मैं नहीं भूनी हूँ क्योंकि इसी तरह ये अच्छा लगता है, तो मैं ना इसमें जो ये काजू और ये बादाम को मैंने ये की हूँ डालने के लिए, तो मैं हल्का सा इसको
खलबट्टे से इसको हल्का सा मैं मार ये कर लूँगी, फोड़ लूँगी। जो ये मैं मखाना फ्राई करके रखी हूँ रोस्ट करके, तो इसको भी मैं इसमें थोड़ा थोड़ा डाल के और इसको भी हल्का हल्का मैं मार लूँगी। ये देखिए बहुत ही आराम से ही हो जाता है, क्योंकि ज़्यादा आपको नहीं इसमें ये करना है। जीरी बनाने के लिए मैं एक बाउल ले ली हूँ, और ये देखिए जो कि मैं धनिया को रोस्ट करके और फिर फ्राई की हूँ शुद्ध घी में, और इसको मैं भोग लगाने के लिए या फिर आप जो भी किसी भी ये करने के लिए मैं आज पंजीरी का बना रही हूँ। तो ये हो गया, और ये देखिए जो कि मैं इसमें काजू और बादाम जो कूटी हूँ इसको भी आपको डाल लेना है। उसके बाद से ये देखिए मखाना जो कि मैं इसको हल्का सा फ्राई कर ये रोस्ट कर ली हूँ, इसको भी इसी में डाल दी हूँ। अगर आप इसको ना खड़ा भी डाल सकते हो, अगर आपको मैंने मन हो तो खड़ा भी डाल सकते हो। और ये देखिए उसके बाद से आप इसमें शुगर जितना आप चाहो उतना आप डाल सकते हो। मैं इसमें मैं पीस ली हूँ 4 चम्मच, मैं इसमें शुगर को डाली हूँ चीनी को, और ये मैं बना के कर ले रही हूँ रेडी। इसके ऊपर से मैं इसमें जो किशमिश मैं नहीं फ्राई की हूँ वो इसमें डाल लूँगी। और देखिए मेरा पंजीरी हो गया है रेडी। आप लोग भी इस तरह से बनाइए, और अपने भगवान, अपने माधव, अपने कृष्ण, अपने छलिया जो भी कहते हो उनको आप खिलाइए, ज़रूर ही प्रसन्न हो जाएंगे ये खा के। ये देखिए अब मैं चल रही हूँ आपको मैं, तो चलिए मैं पंचामृत भी इसी के साथ मैं बना ले रही हूँ आप लोग भी, क्योंकि ना पंचामृत का भोग लगता ही लगता है। तो मैंने तो पहले इसमें दही ले ली हूँ, 1/2 कप मैं दही ले ली हूँ, और देखिए इसमें ना कच्चा मैं दूध ले ली हूँ, 1/2 कप ही ली हूँ। तो आप अपने अनुसार डाल सकते हो, तो मैं इसमें थोड़ा सा कच्चा ही दूध पड़ता है, इसमें 5 चीज़ पड़ता है समझ जाइए, पंचामृत उसी को बोला जाता है। तो इसको ज़्यादा आपको मथना नहीं है दही को, तो बस मैं इतना ही डाली 2 चम्मच। उसके बाद से मैं इसमें टेस्ट के अनुसार ही शक्कर डालना है, तो मैं इसमें 2 चम्मच शक्कर डाल दे रही हूँ। ठीक, 2-3 चीज़ हो गया ना आपके सामने, दही दूध शक्कर। अब इसमें मैं डाल रही हूँ ये, मैं इसमें 1 चम्मच शहद को भी ऐड कर ले रही हूँ। ये देखिए शहद हो गया ये। उसके बाद से तो इसमें ये शुद्ध घी मैं डाल रही हूँ, अगर आप इसके जगह पर गंगा जल भी आप डाल सकते हो। ये हो गया मेरा पंचामृत रेडी हो गया। अब इसके ऊपर मैं डालने वाली हूँ, पंचामृत रेडी हो गया है 5 चीज़, अगर आप इसमें कुछ 7 चीज़ से भी बना सकते हो। तो मैं इसमें चल रही हूँ ये मखाना को डालूँगी, जो कि ये बहुत ही अच्छा लगता है। और ये देखिए पंचामृत मेरा हो रहा है रेडी। मैं आज अपने कृष्ण भगवान को यही खिलाने वाली हूँ, तो इसलिए आप लोग भी बनाइए, और मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करिए। और उसके बाद ये देखिए तुलसी जी है ना, तो इनके बिना सारा चीज़ अधूरा है। तो आप ये ऐसे तुलसी जी के पत्र को तोड़ लीजिए, और इसमें ऐसे आप इधर रख लीजिए, और मैं इसमें भी अपना इसको भी रखूँगी, इसमें भी डालूँगी। अब मेरा ये भोग हो गया है रेडी। ये लीजिए लीजिए पंजीरी, और ये है पंचामृत, मेरा हो गया है भगवान के लिए रेडी। तो इसी तरह आप लोग भी बनाइए, और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट करें। तो आप लोगों को मेरा रेसिपी कैसा लगा? अगर आप लोगों को पंचामृत और पंजीरी की रेसिपी अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताइएगा कि मैं कैसे बनाती हूँ। इसी के साथ साथ बाय बाय, फिर लेके आती हूँ एक नए रेसिपी के साथ आती हूँ आप लोगों के सामने। तब तक के लिए बाय।